और करनी थी कि 7 जनवरी को गुजरात आएंगे हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और साथ में आएंगे माननीय भगवंत मान जी। ये चैतर भाई के विधानसभा में एक सभा जनसभा रखे, उस जनसभा को संबोधित करेंगे हमारे लीडर। और इस सभा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वहाँ की जनता, वहाँ के वॉलंटियर और कार्यकर्ता काफ़ी कांटेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से चैतर भाई को इन्होंने गिरफ्तार किया है उसके बाद, तो वहाँ के वॉलंटियर के मांग के हिसाब से और उनसे बात करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी ने वहाँ पर एक सभा रखी है। ये 7 जनवरी को है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस देश में जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछता है या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो ये उनको सस्पेंड करा देते हैं या फिर उनको गिरफ्तार करा लेते हैं। अब ये परिस्थिति पूरे देश में चारों तरफ है और ये परिस्थिति इस बुरी तरफ फैलते जा रही है कि देश में प्रजातंत्र को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि प्रजातंत्र को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। चैतर वसावा का आप उदाहरण ले सकते हैं। चैतर वसावा जी अपने क्षेत्र के बहुत जनमानस में बहुत ही प्रिय नेता है, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनका काफ़ी नाम है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चैतर वसावा जी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में चैतर वसावा जी उनके लिए बड़े समस्या का कारण बन सकते हैं। तो किसी भी तरीके से चैतर को या फंसाओ या हटाओ, जो मर्जी करो, बस चैतर को चुनाव के राजनीति की रणनीति से हटा दो। तो भाजपा की जो ये रणनीति है कि या तो वो किसी को खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को खरीद नहीं पाते हैं तो फिर वो किसी भी दूसरे तरीके से षड्यंत्र करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही चुनाव लड़ने की उनकी पूरी प्रक्रिया है। ये उनके कैंपेन का हिस्सा बन गया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी थी विधानसभा में, विधानसभा में जनता ने भारी बहुमत से भाजपा को फिर से लाया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि सारी वही समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या अभी भी जस की तस है, किसानों की परिस्थिति में कोई बदलाव हुआ नहीं, जस का तस है। अभी ड्रग्स के बारे में कुछ मैं खबरें पढ़ रहा था, ड्रग्स पंजाब पुलिस और गुजरात पुलिस ने गुजरात में कई सारे ड्रग्स के कारखाने पकड़े जहां से ड्रग्स बनते हैं। आप गुजरात में जो पोर्ट है वहां पे इतनी भारी संख्या में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो नौजवान है जहां पर रोजगार की समस्या है वहां अगर ड्रग्स आप सप्लाई करोगे तो आने वाले समय में आपके सारे नौजवान ड्रग्स के चपेट में आ जाएंगे। किसी भी प्रकार की आप समस्या ले लो जिससे गुजरात जूझ रहा है, क्या भाजपा की सरकार जीतने के बाद एक भी समस्या पे काम की है? इसका उत्तर जनता के सामने है। इन्हें ना कोई काम करना है, ना इन्हें किसी काम से मतलब है, इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है। अगर ये चुनाव जीत गए तो बहुत अच्छी बात, अगर ये चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर किसी शाम दाम दंड भेद करके जीते हुए व्यक्ति को तोड़ के अपने पे शामिल करो, लेकिन एक छत्र शासन चलना चाहिए। प्रजातंत्र गया भाड़ में। तो मेरा ये मानना है कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए मन पिछली बार ही बना चुकी थी। आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव जीतना चुनाव हारना ये संघर्ष का हिस्सा है। प्रमुख मुद्दा ये है, प्रमुख बात यह है कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे को लेकर लड़ते रहेगी। देखिए, अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया अलायंस के हिस्से में है, हिस्सेदारी है आम आदमी पार्टी, उसकी घटक दल है। तो टिकट से संबंधित कोई भी घोषणा निश्चित रूप से घटक दलों के साथ मीटिंग करके आधिकारिक तौर से तभी वो कर सकती है। लेकिन मुझे यहाँ आने पर पता चला और जो वहाँ की जनता से बात करके पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आज अगर वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट गिरेगी, हारेगी तो वो वहीं से शुरू होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इतने कम समय में नेशनल पार्टी बनी है। इतने कम समय में नेशनल पार्टी बनने के बाद आप देखेंगे दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके से संगठन का विस्तार हुआ है। संगठन को बनाना, संगठन का विस्तार करना, जब संगठन मजबूत होती है तभी आपको राजनीतिक परिणाम आते हैं। और हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ रही है। आप बाकी किसी भी स्टेट्स में जाकर देख सकते हैं, गुजरात में भी जो परिणाम आए उस परिणाम में अगर आप सीटों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ और लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 40-41 लाख लोगों ने अपना वोट दिया था और जिस तरीके से ये वोट दिए हैं, विषम परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट तक को ये परस्यू कर रहे थे अपने फॉर्म को वापस ले लो करके, वो एक अलग ही चुनाव था, वो आपको पता है।
आएंगे, अभी आ रहे हैं 7 तारीख को। 22 साल हो गए आपने सूरत में बाकायदा कैंपेन चलाया था कोरबा से जीतने पर, विधानसभा में जीतने के बाद में क्यों नहीं गया? आएंगे, वापस आएंगे, और मेरे ख्याल से कई सारे स्टेट्स पे काम लगा हुआ था, जैसे 3 स्टेट्स पे लगे हुए थे, पंजाब में था, दिल्ली में था, सब तरफ जा रहे हैं, गुजरात में आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई टूट के जा रहा है, छोटे मोटे नीचे के लेवल पे होता है, उसको आप देखिए लीडरशिप के लेवल पे, लीडरशिप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज ही की आप मीटिंग में देख सकते हैं, पहली बार जब हम मीटिंग करते थे तो हमारे पास लीडरों की संख्या कम होती थी, आज हमारे पास इतने सारे लीडर हैं। तो जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार निर्धारित करता है पार्टी बढ़ रहा है या घट रहा है। जनता का प्यार अगर आप देखेंगे तो जहां हम खड़े थे वहां से हम जितना भी ऊपर गए हैं वो जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं बताता हूं, जिस दिन से 5 हमारे विधायक जीते थे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि बाकी सारे काम छोड़ दो, किसी भी तरीके से इनके 5 विधायक को तोड़ो। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप अपने सारे के सारे जनता को ये पता है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, सबको ये पता है कि भाजपा का एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से इनके 5 विधायक को तोड़ो। ये एक एक विधायक के पीछे पड़ रहे, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। अंत पंत में इम्पॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है, जनता होती है। जनता ने वोट दिया है, विसावदर की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, फिर से चुनाव होगा, फिर से विसावदर की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी को किसी कारण से याद रखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को इसी कारण से याद रखा जाएगा कि दूसरी पार्टी के विधायकों को कैसे परेशान करके, कैसे खरीदने की कोशिश करके, कैसे तोड़ के देश को खत्म करने का जो प्रयास होता है वो इनके नाम है। और एक चीज और, हमारे एक विधायक गए या एक विधायक जा रहे, हमें इसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, उनको सोचने की जरूरत है, प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो उनको बरगला रहे हैं, जो उनको तोड़ रहे हैं, जो उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता देख रही है। आप खुद ही सोचो कि एक जीता हुआ विधायक इसलिए आज तक भारत के इतिहास में कभी रिजाइन दिया है कि ये हो गया वो हो गया, वो सारी फालतू की बकवास बात है। मेन प्रमुख मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उनका टारगेट ही यही है, वो अपने टारगेट में पहले भी ये प्रयास किए थे इनको लेकर, और ये एक जगह प्रयास नहीं हो रहे, सारे जगह प्रयास हो रहे। तो भाजपा का 2 तरीका रहता है, एक जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़ती है, और चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे पार्टियों के विधायकों को तोड़ने की, खरीदने की कोशिश करती है। उनको करने दीजिए, भगवान सारा कुछ।